एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो बहुत ज्यादा दिन के बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। कोशिश करती हूँ मैं हमेशा वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए, लेकिन थोड़ी सी बीच में गैप हो जाती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY फॉर ड्राई स्किन। हाँ गाइस, बहुत सारे ऐसे लेडीज होते हैं जिनको की स्किन ड्राई हो जाते हैं। लड़कियां लोग जो बाहर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, कॉलेज स्कूल जो भी, बालों स्किन पे जब ड्राइनेस होती है ना, तो कुछ भी लगा लो काफी ज्यादा भद्दा लगता है। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होती है। और बाकी पैसे वैसे खर्च ना ही करो सो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ड्राई स्किन हो जाते हैं तो ये मॉइस्चराइजर, ये क्रीम, वो क्रीम, तो सबकी बस की बात नहीं होती है कि मार्केट से उतने महंगे महंगे सामान लगाओ अपने फेस पे, वो भी ड्राई स्किन के लिए। तो ड्राई स्किन क्या होता है ना कि आप लोग के अगर ड्राई स्किन होते हैं तो एक साल में एक बार होते हैं, जो हमारे डेड स्किन होते हैं ना वो रिमूव होते हैं, तो वो होना अच्छी बात है। उससे क्या होता है, जो अंदर के जो नए चमड़े, जो नए स्किन होते हैं ना, वो एक साल में आते ही हैं। लेकिन जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो फेस है ना काफी ड्राई सा लगता है, उसपे थोड़ा कुछ भी करो तो अच्छा नहीं, इनफैक्ट लिप्स भी हमारा ड्राई हो जाता है उस टाइम पे। तो मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा ऐसा DIY लगाना है जिससे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट रहे, काफी ज्यादा मुलायम रहे, ड्राइनेस खत्म हो। और ड्राइनेस खत्म होगी तो आप कोई भी फाउंडेशन, कोई भी मेकअप करोगे गाइस तो केक ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट सा आएगा टचअप। तो चलो चलते हैं, आज की इस वीडियो में बताती हूँ कि आपको DIY कैसे बनाने हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट को ऐड करना है। और ये जो इंग्रेडिएंट है बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको मार्केट से मंगाना है, क्योंकि आपको स्किन केयर करना है। आप चाहते नहीं है कि हम बाहर के कोई प्रोडक्ट लें, तो गाइज नेचुरली अपने स्किन को केयर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है, आपके स्किन पे ग्लो भी लाएगा और आपके डेड स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएंगे एंड नेचुरली ग्लो करेगा गाइज। तो चलो चलते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती रहूं, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है। आप लोग जब बोलते हो ना कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग मुझे याद कर रहे हो, मतलब मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है प्लेन साफ सुथरा बाउल, जिसमें कि आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। एंड उससे पहले, उसके बाद आपको लेना है कोई सा भी, किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो एलोवेरा जेल आप लीजिएगा। मैं यहाँ पे इतना ले रही हूँ एंड ये मेरे पूरे बॉडी के लिए होगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग छोटे टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून ली हूँ। अगर आपके घर में प्लांट है तो कोशिश कीजिएगा कि प्लांट वाला ही ले एलोवेरा जेल। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन, जो कि मार्केट में मिलते हैं। ग्लिसरीन क्या करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट मुलायम बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप देखते होंगे कोई भी फेस वॉश या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम है, उसमें थोड़ा सा जो ग्लिसरीन है वो ऐड रहता है। इससे क्या होता है, हमारा रंगत कम में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। अगर चाहते हैं लोग कि थोड़ा सा डल स्किन हो गई है, सनटैन की प्रॉब्लम है, तो ये आपके खत्म करके आपके जो गोरी चिकनी जो स्किन होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। और एलोवेरा पता ही होगा, गर्मियों के लिए एलोवेरा रामबाण होता है। बहुत सारे में स्किन में आपको एलोवेरा जेल है जो काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड देन गाइस, उसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ, विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि हमारे हेयर स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर फेस काफी ज्यादा पिगमेंटेड हो गया है, सनटैन की प्रॉब्लम हो गई है गाइस, तो विटामिन ई का कैप्सूल काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये क्या होता है, नेचुरली क्योंकि नेचुरल बाहर के जितने भी एनवायरमेंट है ना, वहां से विटामिन ई का कैप्सूल इकट्ठा करके विटामिन ई ये ऑयल बनाया जाता है, तो ये हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आपके स्किन डल हो गए, मतलब आपके स्किन पे काफी ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, डार्क स्पॉट्स है, ब्राउन स्पॉट्स है, उसको रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये मार्केट में आपको 30-35 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से ले लीजिए, अपने स्किन पे लगाइएगा, काफी अच्छा होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट। इसको क्या करेंगे, आपको पीन के तरह पीन लेना है एंड इसमें आपको थोड़ा सा होल करने हैं। एंड उसके बाद जो इसके ऑयल है ना सारे के सारे, आपको एक पूरे कैप्सूल लेने हैं एंड इसमें स्क्वीज आउट कर लेने हैं, पूरे तेल को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पे हमने पूरे एक कैप्सूल का यूज कर लिया है, इसको आप फेंक सकते हो, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो उसके बाद देन थोड़ा सा आपको यूज करना है जैतून का तेल। तो जैतून का तेल क्या होता है, हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर जैतून का तेल आपके पास नहीं है तो कोई सा भी आप बेबी के लिए जो जॉनसन बेबी का क्रीम यूज करते हो वो आपके लिए अच्छे होंगे, तो वो आपको मिलाना है। उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर बन गया है हमारे ड्राई स्किन के लिए और बिल्कुल नेचुरल वाला है गाइस, जरूर से ट्राई कीजिएगा आप लोग एक बार। ये क्या है, आप बना करके अपने एक कोई सा भी डब्बा में स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। क्या है कि आपको डेली टाइम नहीं है तो कम से कम एक वीक आपका आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है वो मॉइस्चराइजर बनके रेडी हो चुका है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोग को ये जो हमारा वीडियो है कैसा लगा और कितना इजी लगा जरूर से बताइएगा, और कौन कौन इस टाइप के रेमेडी यूज कर लिए हैं बताइए। सो गाइस, आई होप आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, क्योंकि काफी ही ज्यादा अच्छा है। आप लोग जरूर से घर में ट्राई कीजिएगा और बाकी बाहर के मॉइस्चराइजर, बाहर के जो भी सनस्क्रीन जो भी लगाते हैं उससे काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 15 दिन ही आप लगाएंगे तो आपको खुद बेनिफिट देखना शुरू हो जाएगा, आप अपने फर्स्ट फेस पे, आप चाहे तो पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। इनफैक्ट आपकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो आप अपने हैंड में, पाव में, जहां भी बनकर वहां पर लगा सकते हो। सिर्फ आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी फिर नए एक टॉपिक के साथ में। सो बाय, टेक केयर।